देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले ही नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सहरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्पी नहीं लेते हुए नींद मारते नजर आए मंत्री और अध्यक्ष गण। SDM मुरैना ने किया जिला अस्पताल और अस्पताल के बाहर बने मेडिकल का निरीक्षण। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान, 28 खीरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन शुरू। लखीमपुर खीरी में गिरफ्तार किया गया 15,000 का इनामिया बदमाश, अवैध हथियारों के साथ किया गया गिरफ्तार। और भांडेर में भिंड लोकसभा प्रत्याशी संध्या रॉय ने भाजपा कार्यकर्ताओं की ली कामकाजी बैठक। मुरैना SDM सुरेश यादव ने मेडिकलों का औचक निरीक्षण किया। मुरैना SDM ने हॉस्पिटल पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं के IC चेक किए और हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर पर भी जाकर उनके लाइसेंस और बिना पर्चा से दवाई लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। एक्सपायरी दवाइयां भी उन्होंने चेक। सहरसा के कांग्रेस कार्यालय में मधेपुरा लोकसभा से राजद प्रत्याशी शरद यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। ऐसी सरकार पर जांच होनी चाहिए, अगर इस बार ये चुनाव जीत गए तो कभी चुनाव नहीं होगा देश में। दिलचस्पी की बात ये रही कि जिस मंच से महागठबंधन के शरद यादव के द्वारा प्रेस को संबोधित किया जा रहा था और NDA पर हमला बोला जा रहा था, उसी मंच पर बैठे पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर अब्दुल गफूर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विद्यानंद मिश्र, राजद के जिलाध्यक्ष जफर आलम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नॉट इंटरेस्टेड दिखाते हुए झपकी मारने में मग्न दिख रहे थे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब शरद यादव NDA पर हमला बोल रहे थे और प्रेस को संबोधित कर रहे थे, तब ये सभी मंत्रीगण और जिलाध्यक्ष झपकी मारने में मगन दिखाई दिए, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसी प्रतिनिधि क्या हमारे देश को चाहिए? अगर ये बन गए तो क्या विकास होगा इस देश का? संवाददाता शमसुल होदा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मुरैना SDM सुरेश यादव ने मेडिकलों का औचक निरीक्षण किया। मुरैना SDM ने हॉस्पिटल पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं के IC चेक किए और हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर पर भी जाकर उनके लाइसेंस और बिना पर्चा से दवाई लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। एक्सपायरी दवाइयां भी उन्होंने चेक। मुरैना SDM सुरेश यादव ने मेडिकलों का औचक निरीक्षण किया। मुरैना SDM ने हॉस्पिटल पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं के IC चेक किए और हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर पर जाकर उनके लाइसेंस और बिना पर्चा से दवाई देने वालों पर कार्रवाई की और साथ ही एक्सपायरी दवाइयां भी चेक की। तकरीबन 8 दुकानों पर उन्होंने कार्रवाई की क्योंकि मुरैना में सस्ते रेट पर मेडिकल दवा उपलब्ध करा रहे, लेकिन देखा जाए तो ये दवा सेहत के लिए हानिकारक है। एक दो कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो कि बिना ड्रेस और आइडेंटिटी कार्ड के मिली, उनको चेतावनी दी गई है कि वो अपने आइडेंटिटी कार्ड और बुला के सीमा आपको बताया कि वो उन पर बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जिनका नाम मनीष मसीह है, वो अनुपस्थित रहते हैं और अपने मुख्यालय पर निवास भी नहीं करते हैं और उनके द्वारा विधिवत दवा दुकानों का निरीक्षण नहीं किया जाता, जिससे कि दवा दुकानों में कई अनियमितताएं मिली हैं मुझे। आज इसी बाबत मैंने लगभग 10 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया, जिनमें कि मानक के अनुरूप उनने पूर्ति नहीं की गई। यहाँ की फार्मासिस्ट का डिप्लोमा जो कि वो टंगा हुआ होता है, वो बाहर नहीं टांगा गया। फार्मासिस्ट को ही दवा देना चाहिए, जबकि वो क्या नहीं दी गई। दवा के दुकानों की साइज भी बहुत कम थी, जो कि नियमानुसार बहुत कम है। दूसरा कि जो कुछ दवाएं जो अलग रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1, जो उनका भी सही रिकॉर्ड संधारित नहीं था, रसीदें नहीं थी उनके पास, और जिससे कि GST का भुगतान कैसे करेंगे वो लोग। अन्य बहुत सारी कमियाँ मुझे दी गई, जिसमें कि पर्चे बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाई दे रहे थे, जो कि गलत था। तमाम इस पर मैंने आज पंचनामा बनाया और मैं इसकी कार्रवाई करवाऊंगा, ताकि उनका लाइसेंस या तो वो अपने कमी सुधार लें या फिर लाइसेंस का निलंबित किया जाएगा। मुरैना से संवाददाता अमन सक्सेना की रिपोर्ट, HBN न्यूज। चौथे चरण में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही 28 खीरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन का काम शुरू हो चुका है। चौथे चरण में 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही
लखीमपुर खीरी में 28 खीरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में लोकसभा सीट के साथ साथ निघासन विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन का काम चल रहा है। पहले दिन बीजेपी के खीरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय मिश्र ने अपना नामांकन दाखिल किया। अजय मिश्र उर्फ टेनी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह को अपना नामांकन सौंपा। अरे इसमें नामांकन में क्या मामला होगा, 2019 का लोकसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का सबसे सशक्त राजनीतिक दल है। आज से हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ हुआ है तो हमने नामांकन किया है, सरकार बनाने के लिए किया। जिस तरीके से गठबंधन जो लगातार तंज कस रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए तंज वही लोग करते हैं जो हारे हुए लोग होते हैं, हताश और निराश लोग होते हैं। गठबंधन हो या महाठगबंधन हो, किसी के पास अब कुछ शेष नहीं है। पूरा देश मोदी पर विश्वास कर रहा है। हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो हताशा और निराशा में मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध तक की स्थिति में खड़े हो गए हैं। लोगों ने उनको पहचान लिया है। 100% नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनने जा रही है और हमने जो तय किया है कि हम नए भारत का निर्माण अपने आगामी कार्यकाल में करेंगे और देश के लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे, हम उसको करने में सफल होंगे। देखिए आज 2 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और 9 अप्रैल तक नामांकन की 9 अप्रैल को सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र का अंतिम तिथि है। नामांकन पत्र जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके अलावा जो निघासन उपचुनाव है अपर SDM जो है उनके कोर्ट में नामांकन लिए जा रहे हैं। नामांकन के लिए पूरी यहाँ पर फोर्स की व्यवस्था है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और जो नामांकन कक्ष है वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और अभी तक प्रातःकाल से लेकर अब इस समय तक लगभग 1-1.5 बज रहे हैं। इस समय तक लगभग 1 नामांकन अभी हुआ है, बाकी 3 बजे तक का समय है। अगर और कोई नामांकन आता है तो उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और मुझे उम्मीद है कि प्रत्याशी लोग भी हमें पूरी तरह सहयोग करेंगे। लखीमपुर खीरी से तहसील संवाददाता ऋषिकेश शर्मा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी पुलिस ने 15,000 का इनामी और शातिर अभियुक्त भोलू को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में पूरे जिले में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैलानी के तेज तर्रार SO सुनीत कुमार ने अपने हमराहियों के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी पुलिस ने 15,000 का इनामी शातिर अभियुक्त भोलू को गिरफ्तार किया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक खीरे के निर्देशन में पूरे जिले में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना मैलानी के तेज तर्रार SO सुनीत कुमार ने अपने हमराहियों के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया जिस पर 15,000 रुपये का इनाम था। शातिर अभियुक्त भोलू पुत्र नफीस निवासी कुकरा थाना मैलानी जिला खीरी का है, जिसकी जमा तलाशी में 1 अदद अवैध तमंचा, 315 बोर में 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना मैलानी से गौवध और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में वांछित और फरार चल रहा था। वहीं थाना मैलानी पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बराबर चेकिंग की, साथ ही बीते दिवस क्राइम पर रोक लगाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ थाना मैलानी और कोतवाली भीरा पुलिस ने दुधवा टाइगर रिजर्व मैलानी पलिया और किशनपुर रेंज में बैठक भी की जिसमें वन विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी मैलानी थाना प्रभारी सुनीत कुमार ने दी। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। भांडेर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी संध्या रॉय ने भांडेर की मंगल वाटिका में कार्यकर्ताओं के साथ एक कामकाजी बैठक की। भांडेर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी संध्या रॉय ने भांडेर की मंगल वाटिका में कार्यकर्ताओं के साथ एक कामकाजी सभा की जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा संध्या रॉय और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया को फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भिंड लोकसभा प्रत्याशी संध्या रॉय रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश चौहान जिला उपाध्यक्ष ने की और संचालन ओम प्रकाश रावत ने किया। कार्यक्रम में पूर्व मंडलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा ने पार्टी को एक मत होकर काम करने की सलाह दी। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें एकजुट होकर मोदी जी को विजय बनाना है, संध्या राय को जिताना है। इस सभा में जिला अध्यक्ष जसोदा परिहार, संदेश मुखराइया, गोलू दुबे और नगर पालिका अध्यक्ष ब्रजकिशोर बल्ले रावत, उमेश यादव, राजेंद्र यादव, भाजपा मंडलाध्यक्ष पवन यादव, विशुन यादव, रामजी खरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में गोलू दुबे द्वारा सभी का आभार
आभार प्रकट किया गया। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।